पेश है हिंदी जबान में अपडेट। 1984 में अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर भारतीय सशस्त्र बलों का कोड नेम आगमन ऑपरेशन ब्लू स्टार एक अत्यंत जघन्य कृत्य था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में बड़े पैमाने पर सिखों के विरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनों की नीति का आरंभ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत से सिख समुदाय को व्यवस्थित रूप से निकालने का एक औपचारिक आरंभ था। जून 1984 में अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल पर आगमन भारत के तथाकथित प्रजातंत्र पर कुरूप कलंक है। भारतीय सेना ने 1984 में 1 से 10 जून के मध्य गोल्डन टेम्पल पर आक्रमण में तीर्थ यात्रियों सहित सहस्त्रों सिखों का रक्तपात किया। 1984 में टैंकों तथा आर्टिलरी गनों से लैस भारतीय सेना ने सहस्त्रों सिखों की हत्या के साथ सिखों के पवित्र टेम्पल को मलबे में बदल दिया। सिख कारकुनों तथा नेताओं ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गुरुद्वारा अर्थात जाति संघार का नाम दिया। सिख ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने महान नेता जनरल सिंह भिंडरांवाला की हत्या को कभी नहीं भूल सकेंगे। भिंडरांवाला एक निर्दोष व्यक्ति था जिसने सिखों को भारतीय तानाशाही के विरुद्ध जागरूक किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों की क्रूर हत्या के पश्चात अपने जीवन की रक्षा के लिए भयभीत 20,000 से अधिक परिवारों को भारत से प्रवास करना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल सिखों की हत्या की ही नहीं वरन उनके सबसे अधिक पवित्र स्थल को नष्ट करने की एक सोची समझी कार्रवाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख समुदाय के सदस्यों की मानसिकता पर गहरे घाव छोड़े हैं। भारत के विरुद्ध सिखों की लड़ाई यथार्थता हिंदुत्व के विरुद्ध युद्ध है। सिख एक पृथक खालिस्तान की उपलब्धि तक चैन से नहीं बैठेंगे।